व्हाट्स अप फ्रेंड्स, आई होप तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप्स। एक सर्कुलर लूप है और उसी का दूसरा व्यू इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक पॉइंट है जो उसकी एक्सिस पर है, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट सेंटर। यहाँ वो पॉइंट नहीं दिखा जा सकता क्योंकि वो पॉइंट ऊपर होगा कहीं, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर। उसका साइड व्यू ऐसे आप देख सकते हैं। तो करंट इस तरीके से मूव हो रहा है कि यहाँ छोटे से पोर्शन से अगर देखें तो करंट बाहर की ओर आ रहा है, और इस छोटे से पोर्शन से करंट अंदर की ओर जा रहा है, और ऐसे करके करंट मूव हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि छोटे से पोर्शन की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें से करंट बाहर की ओर आ रहा है, ऐसा DB इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट से आप DB की डायरेक्शन देख सकते हैं। सो DB इज DL विच इज आउटवर्ड एंड क्रॉस R। ओके, आउटवर्ड क्रॉस R विल बी दिस डायरेक्शन। सो ये DB आया। अब B नेट, क्योंकि सबके DB अलग अलग डायरेक्शंस में आएंगे, इसकी वजह से DB इधर आएगा और रिजल्टेंट पक्की बात है इस डायरेक्शन में ही आने वाला है। तो B नेट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ DB साइन थीटा। ओके, दिस एंगल इज अल्फा। सो DB साइन थीटा, DB की वैल्यू आप ले सकते हो म्यू नॉट आई DL इनटू दिस डिस्टेंस विच इज अ फिक्स डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और इनके बीच DL और R के बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई बाय, इसको अभी के लिए R डैश बोल देते हैं, आर डैश स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटीग्रेट। DL की वैल्यू, द ओनली वेरिएबल हेयर इज DL, तो DL को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी और आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाए। साइन थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं इस ट्राइंगल से, साइन थीटा इज नथिंग बट आर बाय आर डैश। आर बाय आर डैश इंटू 1 बाय आर डैश स्क्वायर, और DL की वैल्यू है 2 पाई आर। ओके, इंटीग्रल ऑफ DL इज 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई, यहाँ 2 बचा और वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट आई, ऊपर आया म्यू नॉट आई बाय 2, और यहाँ आर ओवर आर क्यूब। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट आई आर बाय 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3 बाय 2। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बी एट सेंटर, सेंटर के लिए आपको एक्स की वैल्यू 0 डाल देनी चाहिए, तो वो आएगा म्यू नॉट आई बाय, नीचे बन जाएगा सिंपली आर क्यूब नीचे ऊपर, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर विल बी द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर। हाँ, इस एक्सप्रेशन में ये आर और आर जब प्रोडक्ट होंगे तो ये आर स्क्वायर बनेगा, ये मिस हो गया था। तो आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब ऊपर आर स्क्वायर, तो नीचे बचेगा आर, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर बी एट सेंटर। बी इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, मीन्स वेरी नियर टू सेंटर, वेरी नियर टू सेंटर, हम बाइनोमियल का यूज करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाय 2, यहाँ से आर स्क्वेयर कॉमन आएगा तो आर क्यूब बन जाएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपको ऐसे दिखाई देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टू द पावर -3/2 अंदर आएगा। तो यू विल गेट म्यू नॉट आई बाय 2 आर 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन होता है व्हेन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, और द पॉइंट इज वेरी नियर टू द सेंटर।
देन फॉर एक्स वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर लास्ट पॉइंट, फॉर एक्स वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर, वी कैन एज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज सिंपली एक्स स्क्वायर। तो ये इस टाइप का आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 x³। ओके, इस एक्सप्रेशन को देखने का एक और तरीका है, म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू 2 x³। ओके, आपने क्या किया, आपने 2 पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और पाई को इधर, 2 को इधर, 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई एंड यू गेट 2, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। आगे जाके हम इसको आई इंटू पाई आर स्क्वायर को एक नाम देंगे एम बाय एक्स क्यूब। ये सिमिलर एक्सप्रेशन है 2 k p बाय आर क्यूब जैसा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आर की वजह से आपको फील्ड बताना है, सर्कल की वजह से हम निकाल चुके थे, तो आर की वजह से जो भी आर्क एंगल बना रही है, लेट से एंगल मेड इज थीटा, सो बी ड्यू टू आर्क इज बी ड्यू टू सर्कल इंटू थीटा बाय 2 पाई, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन इंटू टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी द फील्ड ड्यू टू आर्क, सो इन दिस केस इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 आर। और हाँ, आर्क की वजह से सिर्फ सेंटर पे निकालते हैं, रिंग या लूप की वजह से एक्सिस पर कहीं भी और निकाल सकते हैं, तो इट विल बी थीटा बाय 2 पाई। ओके, सो लेट्स लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस, ये 2 आर, इसकी वजह से ऑब्वियसली फील्ड बाहर की ओर, ठीक है। फॉर सर्कुलर लूप यूज दिस कर्ल एज द करंट एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सो द कर्ल इज दिस, ये जो वायर है इसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो यू हैव टू रोटेट एंड द थंब इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो इसकी वजह से फील्ड अपवर्ड, इसकी वजह से भी फील्ड अपवर्ड और ऐड हो जाएगी। लिखते हैं म्यू नॉट आई बाय 2, रेडियस ऑफ द लूप इज 2 आर एंड द फ्रैक्शन इज 3/4, प्लस म्यू नॉट आई बाय 2, रेडियस ऑफ द स्मॉलर लूप इज आर एंड द फ्रैक्शन इज 1/4 एंड टोटल फील्ड इज आउटवर्ड, सो रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इन दिस पार्ट दिस रेडियस इज लेट से आर एंड दिस इज 2 आर, तो यहाँ पर फील्ड, दोनों की फील्ड ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसकी वजह से आउटवर्ड और इसकी वजह से इनवर्ड फील्ड आएगी। अपना हाथ रोटेट करा के देखें, इस डायरेक्शन में राइट हैंड रूल, थंब ऊपर की ओर आएगा और इस वायर के लिए थंब नीचे की ओर आएगा, तो पॉइंट पी पर जब फील्ड निकालेंगे उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 2 स्मॉलर रेडियस आर, और ये एंगल लेट से थीटा है, तो थीटा बाय 2 पाए माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 times 2 आर थीटा बाय 2 पाए, सो विल बी लेफ्ट विद ओनली म्यू नॉट आई बाय दिस 4 एंड दिस 4 माइनस 1/4 माइनस 1/8 इज 8 पाए आर थीटा एंड दैट टू इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुल सर्कल एंड एन इनफाइनाइट वायर, तो पी पॉइंट पर दोनों की वजह से फील्ड सर्कल की वजह से आएगी इनवर्ड और वायर की वजह से आएगी आउटवर्ड, यू कैन जस्ट गेट द डायरेक्शंस, तो बी ड्यू टू सर्कल प्लस बी ड्यू टू वायर वेक्टोरियली, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल, ट्राई टू कैंसिल आउट ईच अदर। तो देखते हैं सर्कल की, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, वेर एज ये इसकी डायरेक्शन हुई इंटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 पाए आर, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर दिस डॉट, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है तो आपकी नेट फील्ड आएगी म्यू नॉट आई
बाय टू आर कॉमन, वन माइनस वन बाय पाए इंटू द प्लेन ऑफ पेपर।